यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो फॉर गामा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹135 करोड़, आउट ऑफ विच 60% वाज सेल। परचेज इतनी है, उसमें से इतनी क्रेडिट है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इतने हैं, ओके। कंपनी रिडीम्स डिवेंचर्स ऑफ रुपीज इतना। डिवेंचर होल्डर वर इशूड शेयर्स टुवर्ड्स रिडेम्पशन एंड बैलेंस वाज पेड इन कैश। डिविडेंड पेड इतना है, इन्वेस्टमेंट इतना है, ओके। तो अब फ्रेंड्स, ये एक तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, और ये इन्फॉर्मेशन बजाय इनडायरेक्ट मेथड के, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट ज़्यादा ईजी रहेगा। इनडायरेक्ट मेथड वहाँ इफेक्टिव है जहाँ बैलेंस शीट दे रखी हो, ठीक है। तो अब ऐसी इन्फॉर्मेशन में हमें कैश फ्लो हमेशा डायरेक्ट मेथड से बनाना चाहिए। चलिए, हम लिखेंगे कंपनी का नाम गामा लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर यहाँ लिखें हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, तो ये बैलेंस आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ये हमारा फॉर्मेट है। अब अगर हम ये डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी लिख लें। यहाँ पर आएगा रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल, इसी में आएगा रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे पेड फॉर कैश परचेज, पेड टू सप्लायर। ठीक है, ये कुछ हमारे वर्किंग नोट्स बनेंगे। जैसे कैश सेल कितनी है क्वेश्चन में दी है, 60% कैश सेल है, यानी कि 135 का 60% ये होता है हमारा 81। तो क्रेडिट सेल कितनी होगी, 135 का 40% दैट इज 54। फिर क्वेश्चन में दिया है क्रेडिट परचेज हमारी 80% है, फिफ्टी फाइव का 80% 44। तो कैश परचेज 55 का 20% 11। ये इन्फॉर्मेशन हम अपनी कैश फ्लो में लिख लें। ये 81 हो गया
और ये हमारा 11 हो गया। यहाँ फिर माइनस करेंगे हम पेड फॉर एक्सपेंसेस, लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, तो यह आ जाएगा हमारा कैश फ्लो ठीक है जी। चलिए अब इसमें कुछ और वर्किंग नोट बनाएं। एक वर्किंग नोट बनेगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट, और एक वर्किंग नोट बनेगा ट्रेड पेबल का। ठीक है, चलिए ट्रेड रिसीवेबल हमारे ओपनिंग दे रखे हैं 45, क्लोजिंग है 50। क्रेडिट सेल हो रही है 54 की, 99 बैलेंसिंग फिगर आएगी 49, दैट इज हमार कलेक्शन। ठीक है, ऐसे ही ट्रेड पेबल में जाएं, ओपनिंग बैलेंस है 23, 21, क्लोजिंग बैलेंस है 23, 44 हमारा क्या है परचेज हो रखी है 65, 65, 42 ये हमारी जो हमने क्रेडिटर को पे किया वो आ गया। सो ये दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ से 49 आया और यहाँ 42 पे किया। अब हमारे लिए अगली इन्फॉर्मेशन पढ़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं हमारे 18 करोड़ और सैलरी हमने पे की है 22 करोड़ की। सो 40 करोड़ के हमने खर्चे पे कर दिए, आगे पढ़ें, डिविडेंड पेड है हमारा 11.70 करोड़, पांचवा पॉइंट है। सो डिविडेंड पेड 11.70, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹12 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2.4, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा 14.4। ₹8 करोड़ वर पेड टुवर्ड्स इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, तो इनकम टैक्स का जो पेमेंट आया वो 8 करोड़ का है। अ न्यू प्लांट 21 करोड़ वर परचेज इन पार्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ओल्ड प्लांट, ठीक है, द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड वर 12 बट वाज द वेंडर टिक ओवर एट अ प्लांट ऑफ 10 एंड द बैलेंस वाज पेड इन कैश टू द वेंडर। ओके, तो एक तरह से सेल ऑफ प्लांट हो रहा है हमारा 10 करोड़ का और ये 10 करोड़ है, परचेज ऑफ न्यू प्लांट हमारा है 21 करोड़ का। आप नेट 11 करोड़ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आपके पास ओपनिंग में जो बैलेंस है वो 6 करोड़ का है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। अब देखिए पहला एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा एडजस्टमेंट हो गया, तीसरा एडजस्टमेंट हो गया,
पांचवा हो गया, छठवा हो गया, सातवा हो गया, आठवा हो गया, अब बचा सिर्फ पांचवा, चौथा। कंपनी रिडीम डिवेंचर ऑफ 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एक तरह से कंपनी ने डिवेंचर रिडीम करे हैं, तो इसका जो तरीका है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये हो गया 22 करोड़। इसमें से ये रिडेम्पशन है, इशू ऑफ शेयर ये 15 है, तो एक तरह से -7 है, दैट इज नेट पेड फॉर रिडेम्पशन। ऐसे ही हम इसको भी अंदर कॉलम में कर सकते थे कि सेल वैल्यू ऑफ प्लांट है 10 करोड़ का, नया खरीदा हमने 21 करोड़ का, तो नेट पेमेंट करी हमने, नेट पेड टू वेंडर 11 करोड़। ये प्रेजेंटेशन थोड़ी और अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो अब इसका इम्पैक्ट आ रहा है 3.4, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें और देखना है। डिवेंचर कितने हैं, इंटरेस्ट के बारे में कहीं कुछ लिखा है, डिवेंचर इंटरेस्ट वर पेड ये लिखा है 1.5 करोड़। सो इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये 11 करोड़ पे किया है तो 20 करोड़, तो ये नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब हमारा इसका बैलेंस करें तो ये आ जाएगा 130 माइनस ये होता है 93, तो ये होता है 37, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये आ जाएगा हमारा 29 करोड़ हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया, 3 इससे आया, तो ये बचेगा 12.2, तो ये 18.2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी हैं एज कम्पेयर टू जो पुराने क्वेश्चंस हैं, और आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू।